प्रभुराम की सुरक्षा को लेकर अयोध्या में एनएसजी कमांडो तैनात किए जाने हैं, जिसको लेकर एनएसजी की टीम लगातार अपने कौशल कला का प्रदर्शन पिछले 3 दिनों से कर रही है। राम जन्मभूमि परिसर में कल एनएसजी कमांडो ने आपातकालीन स्थिति में सुरक्षा उपलब्ध कराते हुए आतंकी गतिविधियों से कैसे निपटा जाता है, इसको लेकर अपनी कौशल कला का प्रदर्शन किया। लेकिन देर रात्रि एक बार फिर एनएसजी के कमांडो जब अयोध्या की सड़कों पर उतरे तो अयोध्या वासी भी आश्चर्यचकित हो गए। देर रात्रि में हनुमानगढ़ी कनक भवन और दशरथ महल की सभी दुकानों को अचानक से बंद करा दिया गया, जिसके बाद हनुमानगढ़ी बड़ा स्थान कनक भवन परिसर में टेररिस्ट एक्टिविटी होने पर किस तरह से लोगों को सुरक्षित किया जाता है, अपने कौशल से कैसे आपातकालीन स्थिति से निपटा जा सकता है, इसको लेकर प्रदर्शन किया गया। बाकायदा बड़ा स्थान से कनक भवन और हनुमानगढ़ी तक मार्क ड्रिल करते हुए एनएसजी के जवानों ने अपने कला का प्रदर्शन किया, जिसको लेकर हनुमानगढ़ी और कनक भवन के आसपास भक्ति पथ के मार्ग को पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया। इस दरमियान स्थानीय लोग भी आश्चर्यचकित नजर आए। कमांडो ने प्रदर्शन किया, कैसा लगा? नेशनल सुरक्षा गार्ड का यहाँ कमांड बन रहा है और चूँकि कांवड़ यात्रा और सावन में झूला मेला यहाँ आने वाला है, इस नाते उस हब की तैयारी को लेकर यहाँ पर एनएसजी की टीम आ गई है और उसने अयोध्या में सुरक्षा की कमान को संभाल लिया है। ये वास्तव में एक तरफ तो गौरव का भी विषय है, चूँकि अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था देश के टॉप मोस्ट उसमें शामिल हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं ये वास्तव में हम लोगों के लिए एक देखिए, एक अपने आप में एक अद्भुत और रोमांचक दृश्य है। जब एनएसजी के लोगों ने जो घटनाएं होती हैं उन घटनाओं में बचाव के कार्य किस तरीके से होते हैं ये दिखाई पड़ता है। हमारे जो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के जो कमांडो हैं उन लोगों की अपने उनका अदम्य साहस, उनका अदम्य पराक्रम, उनका अदम्य शौर्य, उनका अदम्य साहस इसमें दिखाई पड़ता है जब वो अपनी जान पर खेलकर देश के जनवासियों को जान बचाते हैं। ये वास्तव में गौरव का विषय है कि देश की जो सुरक्षा करने वाली जो आतंक निरोधक दस्ता है वो अयोध्या में है और इस बात का भरोसा दिलाता है कि अयोध्या वासियों को कहीं कोई संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा। कैसा लगा भैया? हनुमानगढ़ी की तरफ से हम दर्शन करके अभी लौट रहे थे तो हमने देखा कि काफ़ी लोग विजिट कर रहे हैं, तो पता चला एनएसजी के लोग हैं, तो ये तो भैया एक अच्छा सुगत कदम है। अभी शायद वो कनक भवन की तरफ गए हैं, तो वो काफ़ी अच्छा लगा। भाई एनएसजी देश की एक एजेंसी है और ज़्यादातर एनएसजी के जुम्मे बहुत सी चीज़ें हैं, तो वो अपना भी विजिट कर रहे हैं रिहर्सल के तौर पे हैं और इससे एक जो श्रद्धालु हम जैसे लोग आ रहे हैं तो उन्हें भी एक ये खुशी है कि भाई कम से कम हम लोग सुरक्षित हैं और यहाँ तो भगवान प्रभु श्री राम स्वयं अब विराजमान है ना, तो इस बारे में हम लोग तो कुछ कह ही नहीं सकते हैं। हाँ, इसके लिए तो बहुत खुशी की बात है। अब तो जो भी लोगों की शंकाएं थी भीड़ भड़ाका की वो भी ख़त्म हो जाएंगी जब एनएसजी का हब बन जाएगा यहाँ पे।